संजीव साहब, आपके बेटे की टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई। क्या आया है डॉक्टर साहब? दरअसल वो क्या मतलब, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? क्या हुआ? आप बताते क्यों नहीं? क्या हुआ? अब्बा, आपने कॉल में भी नहीं बताया था। खैरियत क्या बात है? कुछ तो बताएं, आप बता क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है? क्या बताऊं अमना, हमारे बेटे की दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। किडनी फेल हो गई? डॉक्टर कह रहे हैं कि इसके लिए जल्द से जल्द गुर्दों का इंतजाम किया जाए। मेरी किडनी लगा दे, डॉक्टर से कहे मेरी किडनी ले ले, मेरे बेटे को ठीक कर दे। आपके लिए मुझे कुछ भी करो, बेटे को ठीक कर, आपके लिए कुछ करो। मेरे ख्याल में हमें बाकी घर वालों को भी बुला लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कामरान तुम ऐसा करो कि सबको लेकर आओ और उनका चेकअप करवाओ। मैं जरा डॉक्टर से मालूम करूँ कि क्या रिजल्ट। जी बिल्कुल भाईजान, मैं भी अमीनीत के पास जाता हूँ। मुजीब भाई, अनीस की तबीयत कैसी है? बस भाई, दुआओं की जरूरत है। दवा चल रही है ना? अब दवा से ज्यादा दुआ का काम। मैं समझा नहीं। क्या बताऊं शकील, अनीस के दोनों गुर्दे खराब हैं। अल्लाह खैर, डॉक्टर्स ने क्या बोला है? उन्होंने तो किडनी डोनर्स का कहा है। सारी फैमिली और दोस्तों में ब्लड ग्रुप चेक करवा लिया, मगर किसी का मैच ही नहीं कर रहा। तो अनीस का ब्लड ग्रुप कौन सा है? वही तो मसला है। क्या मतलब? शकील भाई, अल्लाह ने हमें इम्तिहान में डाल दिया। इम्तिहान में पास भी वो ही करेगा इंशाल्लाह। असल में मसला ये है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। शकील भाई, कोई हमसे सब कुछ ले ले, मगर हमारी अनीस की जान बचाने के लिए हमें गुर्दा दे दे। हाँ, ऐसे तो मिलना बहुत मुश्किल है। इसी मुश्किल ने तो हमें मुश्किल में डाल रखा है। लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। कौन है वो? आपका भाई मुख्तार, उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। एक बार उसने कहा था कि उसका और अनीस का ब्लड ग्रुप मैच करता है। अरे भाई, वो तो हमें अपना बुखार भी ना दे, गुर्दा कहाँ से देगा? आपको तो पता है शकील भाई, सारे हालात से वाकिफ हैं आप, और फिर अनीस का नाम सुनकर तो वो कभी हाँ नहीं करेगा। ये सब कुछ आप छोड़ें, हो सकता है खून गरमा जाए ये सब कुछ सुनकर।
आप इजाजत दें तो मैं बात करूं। मैंने आपको पहले सुलह करने से कब मना किया था? अब तो बेटे की जान का मसला है। कैसी तबीयत है अब आपकी? अल्लाह का करम है, लेकिन कमजोरी बढ़ गई है। आप फिक्र नहीं करें, आपकी दवाइयाँ चल रही हैं ना, एक दो दिनों में आपकी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। आप लोग बहुत अच्छे हैं डॉक्टर। थैंक यू। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि यहाँ काम करने वाले सभी डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं? क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। अरे कुछ नहीं हुआ है आपको, अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बस उसी से उम्मीद है, जिसने बीमारी दी है शिफा भी वही देगा। बेशक उसी से उम्मीद लगाए रखिएगा। बाकी यहाँ हम सब हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए। आप लोग बिल्कुल मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं डॉक्टर। बिल्कुल है। और अब आप आराम करें, कोई भी तकलीफ हो तो आप बस बेल बजा दीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर। सो स्वीट, माय प्लेजर। आज भी आप उसी की तरफदारी करने आए ना शकील भाई? हाँ बिल्कुल, उसी की तरफ ना है क्या? नहीं नहीं, वो तो आपका चहिता है ना। मेरा कोई चहिता नहीं है, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, लेकिन आज वो मुश्किल में है। अब कौन सी मुश्किल आ गई उनको? अरे उनकी मुश्किलें तो तभी खत्म हो गई थी जब उन्होंने मुझसे रिश्तेदारी खत्म की थी। शायद तुम्हें मालूम नहीं है, उसका बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। नाफरमान औलाद है, कोई अच्छा सिला थोड़ी मिलेगा उसे। अनीस की दोनों किडनी खत्म हो गई हैं, उसको किडनी चाहिए। तो खुद दे दें उसको किडनी, और अगर खुद नहीं दे सकते तो जिंदगी भर जिन सालों को पाला है उनसे लेकर दें। मेरे पास क्या लेने आए आप? उसके घर और ससुराल में किसी का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा। तो इसमें भी मेरा कसूर है क्या? शायद तुम भूल रहे, तुमने 4 साल पहले बताया था कि तुम्हारे खानदान में अनीस वो वाहिद लड़का है जिससे तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैच होता है। तो मैं क्या करूं? तुम चाहो तो उसकी जिंदगी बचा सकते हो। होश में तो है आप? ये मुमकिन नहीं, और वो भी उसके लिए नामुमकिन। देखो तुम्हारा वो इकलौता भतीजा भी तो है मुख्तार। अपने बाप की नाफरमान औलाद मेरा भतीजा कैसे बनेगा? हाँ देखो उससे से कोई मसला हल नहीं होता मुख्तार, होश से काम लो। उस वक्त भी समझाते ना आप उनको? मुजीब ने जो कुछ किया मैं उससे वाकिफ हूँ, लेकिन जवान औलाद के सामने किसी की नहीं चलती। मेरी चलती है अभी तक। अल्लाह ने तुम्हें बेटी अता की, अगर बेटे होते ना लग पता जाता तुम्हें। बहरहाल कुछ भी हो, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। देखो मेरे कहने पे एक बार तुम सोच, एक जवान जिंदगी का सवाल। यहाँ तो बस उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटता है।
देखा शकील भाई आपने, मुख्तार अभी तक नाराज है। मुझे भाई बरसों की कदूरते हैं, इतनी जल्दी जाया नहीं करते। मैंने तो कोई ऐसी बात भी नहीं की, फिर भी वो इस तरह मुंह बना के चला गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मुख्तार भाई आ कैसे गए। बस इस घर में तो ना एक गुनाहगार मैं ही हूँ, बाकी तो तुम दोनों बाप बेटी फरिश्ते हो फरिश्ते। क्या हो गया अम्मी? अब भी पूछ रही हो क्या हो गया? भूल गई सब कुछ जो किया उन्होंने तुम्हारे साथ? देखो वक्त पर बात होती है, बात करने का ये वक्त नहीं है। अब कौन सा वक्त आएगा? चले उस दुश्मन के बेटे को गुर्दा देने के लिए, और हमारी बेटी अपनी तबीयत सही है नहीं, और चली उस निकम्मे की बात सुनकर। देखिए अम्मी बात को आगे नहीं बढ़ाए। अगर ये बात को आगे ना बढ़ाए तो इसका खाना हजम नहीं होगा। हाँ हाँ सब कुछ मैं ही कर लूँ बस। देखो अब मेरा दिमाग खराब ना करो, अब अगर मैंने कोई बात सुन ली तो अच्छा नहीं होगा। कोई मेरी सुनता कब है? यहाँ तो बस उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटता है। आप अम्मी की नजर, आपको जो अच्छा लगे वही करें। जी डॉक्टर आपने मुझे याद किया। आइए मुजीब साहब, आपके लिए खुशखबरी है, क्रॉस मैच टेस्टिंग रिपोर्ट नेगेटिव है। मींस ये कि जिन साहब को आप लाए थे वो आपके बेटे को किडनी डोनेट कर सकते। या अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा शुक्र है मेरे खुदा, शुक्र। मुजीब साहब आप अब घर जल्दी से जाइए और उन साहब को लेकर यहाँ आए ताकि हम ट्रांसप्लांट की तैयारियां शुरू करें। जी डॉक्टर साहब आप अल्लाह ताला ने मेरे लिए रहमत का फरिश्ता भेजा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर साहब मैं सब कुछ आके आपको समझाता हूँ, मैं पहले घर से हो जाऊँ अपने भाई को लेकर आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मुख्तार मैंने तुम्हें फ़ोन पर बताना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मुजीब भाई को मैं तुम्हारे घर ले आया हूँ। अब अनीस को किडनी तुम ही दे सकते हो। शकील भाई मुझे अपने भाई के घर आने में कोई कबाहत नहीं है। भाई से काम जो पड़ गया। हाँ देखो मुख्तार मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये वक्त इन बातों का नहीं है। मैं अनीस को किडनी एक शर्त पे दूंगा। कैसी शर्त और क्या चाहते हो तुम? मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस पर, नहीं कि तुम किसी की मजबूरी का सौदा कर रहे हो और ना ही इस पर कि तुम अपनों के साथ लालचीपन दिखा रहे हो, बल्कि इस बात का कि तुम्हारा और मेरा खून एक है। शकील भाई आप तो कंट्रोल रखें। ये लेक्चर किसी और को जाकर सुनाएं। मुझे मेरे अपनों ने 2 साल में क्या दिया है मुझे अच्छी तरह मालूम है। ये सब कुछ तुम्हारा खुद का बनाया हुआ ड्रामा है। देखो मुख्तार तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा तुम्हें पैसे, मैं दूंगा। और यही मेरा आखिरी फैसला है, अगर कबूल है तो पैसे लेकर आ जाना। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना घटिया इंसान निकलेगा। बेड 19 वाले पेशेंट के वालिद साहब की कॉल आई? अभी तक तो नहीं है, हाल बताओ उन्होंने कहा जरूर था कि कॉल करके बताएं। वैसे डॉक्टर फैसल मुझे एक बात समझ नहीं आ। वो क्या? मुझे उनकी बहुत सारी बातें मुभम लगी। डॉक्टर है ना उनकी क्या कहानी है वो तो खुदा और वो खुद ही बेहतर जानते हैं, हाल बता अपने जवान बेटे की तरफ से परेशान जरूर था। वो परेशान नहीं होंगे तो और कौन होगा। वालेकुम सलाम। हाँ निगर एनी प्रॉब्लम? नथिंग सर, फिलहाल तो सब कुछ ठीक है। बेड 19 वाला पेशेंट सो रहा था या थोड़ी देर पहले तक तो जाग रहा था? डॉक्टर है ना मुझे तो सब जरूरत है एक अदद चाय के कप की।
अगर आपको पीना तो आप भी चलो। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप पीजिए। ऐसे बस। अच्छा ये बताओ, वो परवीन का बीपी चेक करा था? भाभी हम लोग अनीस और अतिया की शादी को लेके बहुत फिक्रमंद थे। अरे भाभी इसमें बड़ा फिक्रमंद होने वाली क्या बात है? अरे कुसुम भाभी हमें पता है, मुजीब ने आपको जुबान दी है। पर हाँ भाभी आपने ये बात जरूर महसूस की होगी कि हमने अतिया बेटी को कभी बहू की नजर से नहीं देखा, और इसकी वजह भी आपको पता है कि वो पहले हमारी बेटी है और बहू तो बाद में बनेगी। जी जी, अरे भाभी इसमें तो कोई शक नहीं, वाकई में ये बात तो हमने कभी महसूस ही नहीं की। भाई साहब दोनों बच्चे अब माशाल्लाह जवान हो चुके हैं, तो हम चाह रहे थे कि जल्द से जल्द उनकी शादी कर देते। देखें अतिया हमारी बहू थी और है, अब जमाने वाले क्या कहते हैं उससे हमें क्या लेना देना। हाँ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, जल्दी किस बात की भाई। अरे भाई बातों बातों में चाय ठंडी हो रही है, चाय दो ना। अरे बेगम ले आपने, ये ले भाई। मुजीब साहब हमें ये खदशा है कि अनीस के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। कंटिन्यू बेसिस पर डायलिसिस ठीक नहीं है। तुमने अनीस को बोल दिया था? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनीस बेटा तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो गई या आगे पढ़ने का इरादा है? नहीं अबू मेरा आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। बेटा ऐसा है कि हमने तुम्हारे हवाले से कुछ सोच रखा है। जी अबू बोले। बेटा हम चाहते हैं कि हमारे घर में भी रौनक हो। लेकिन अम्मी अभी मेरी उम्र ही क्या है? उम्र? अरे बेटा 26 साल के हो गए माशाल्लाह से। लेकिन अबू मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। मगर क्यों बेटा? देखिए अम्मी मुझे अभी नौकरी करनी है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो क्या तुम्हारी तरक्की में ये शादी रुकावट बन रही है? ऐसी बात नहीं है। देखो बेटा मुझे सच सच बता दो, कहीं तुम किसी और चक्कर में तो नहीं हो? नहीं अम्मी। अगर किसी और चक्कर में हो ना तो कान खोल कर सुन लो, हमने तुम्हारा रिश्ता अतिया से कई साल पहले तय कर दिया था, सुना तुमने? मगर अब्बू ये अगर मगर की कहानियां है ना मेरे सामने नहीं चलेंगी। आज तक तुमने जो कहा हमने वही किया, लेकिन अब जो हम कहेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। लेकिन अब्बू मैंने अतिया को हमेशा अपनी बहन समझा है, और मेरे लिए अब ये मुमकिन नहीं है। देखो मुमकिन है या नहीं तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। मैं ऐसा किसी कीमत पर नहीं करूंगा। करेंगे तो तुम्हारे अच्छे भी, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं करते ये शादी। देखें अबू आप मुझे मजबूर मत करें, वरना वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये क्या कह रहा है? ये कैसी बातें कर रहा है ये? देख लिया तुमने अपने लाड प्यार का नतीजा, ये तरबियत की थी तुमने इसकी? अम्मी आप लोग मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं अपना फैसला आप लोगों को सुना चुका हूँ। बेटा तुम्हारे अब्बा ने जो जबान दी उनको उसका क्या करें? आपसे कुछ अर्ज की थी। ये
लेकिन इतने दिन हो गए आप लोगों की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। और आज भी आप दोनों खामोश हैं। आप दोनों की ये खामोशी तो बहुत से सवालों को जन्म दे रही है। दरअसल मुख्तार, मैं और आमना तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हैं। क्या मतलब? ऐसी कौन सी बात होगी भाईजान? दरअसल भाई साहब, मुजीब ने और मैंने अनीस से बात की थी, वो इस रिश्ते पर राजी नहीं है। क्या दिमाग खराब हो गया उसका? कैसे नहीं मान रहा है? असल में बात यह है कि अनीस अतिया को अपनी बहन समझता है, तो फिर ये हमारी गलती है कि हमने तुमसे अतिया के रिश्ते की बात तो की मगर उसे आज तक नहीं बताया। भाई साहब, हम जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या होगा हमारी बेटी का? आपने तो बहुत आसानी से कह दी ना भाईजान। नहीं मुख्तार, बिल्कुल आसानी से नहीं कहा। मेरा खुदा जानता है कि कितना बड़ा पत्थर दिल पर रख कर मैं ये बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आपके बेटे के मन में क्या है, मगर अब हम लोग क्या करें? कुसुम बहन, आप क्यों फिक्र करती हैं? अच्छे अगर रिश्ता हम कहीं और देखते हैं, हम खुद उसकी शादी करेंगे। वाह भाभी वाह, मेरी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता खत्म करके उसकी शादी किसी और से करवाएंगी? हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आपके बेटे ने कोई गुल खिला लिया? कुलसुम, अपनी जुबान संभाल के बात करो। अब इसकी जुबान नहीं संभलेगी भाईजान, अगर आप ये रिश्ता नहीं करते तो। तो क्या अब तुम मुझे धमकियां दोगे? मैं धमकी नहीं दे रहा। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर अनीस ने मेरी बेटी से शादी नहीं की तो इस रिश्ते के साथ साथ मुझसे भी रिश्ता खत्म समझिएगा। अरे भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? जो कहा है वही सुना है आपने। जिन लोगों को हमारी बेटी कबूल नहीं ना, वो लोग भी हमें कबूल नहीं है, चाहे उसमें आप लोग ही क्यों ना हो। मुख्तार, समझने की कोशिश करो, जज्बात में सही काम नहीं होता। होश में रहकर मुझे भी अपनी रसवाई देखने का कोई शौक नहीं है भाईजान, जो कह दिया वही आखिर है। चलो क्या बात है, आप सोई नहीं? नींद नहीं आ रही क्या? जिसकी जिंदगी का सरमाया ही दांव पे लग जाए, कि नसीब में नींद कहाँ हो? आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। एक उसी से उम्मीद है, दुनिया वालों से तो अब कोई तवक्को भी नहीं रही। हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हैं, फिर भी थोड़ी देर के लिए सो जाए, सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। आमना, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ, वैसे भी अब थोड़ी देर में ही फजर की नमाज होगी, मैं नमाज पढ़कर अस्पताल चला जाऊंगा। भाई, वो डॉक्टर फैसल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर फैसल तो इसी तरफ गए थे। अच्छा, वो डॉक्टर एना? डॉक्टर एना भी आपको उसी वार्ड में मिलेंगे। शुक्रिया। नहीं नहीं कोई। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा मसला हो गया।
आपकी सारी बातें ठीक है। मजीद साहब हमें ये खदशा है कि अनीस के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। कंटिन्यू बेसिस पर डायलिसिस ठीक नहीं है, खतरे की बात है। जानता हूँ डॉक्टर साहब, मगर सारी कहानी तो आपके सामने है। हम तो सिर्फ अल्लाह से यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनके दिल में रहम डाले। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। बस एक अल्लाह से उम्मीद है, वही एक सहारा है अब मेरा। अल्लाह बेहतर करे। कि आपकी फैमिली से ही मैचिंग हो गई, लेकिन यहाँ तो खून ही सफेद हो चुका है। मेरी फिक्र मत करें, जितनी जिंदगी लिखी है बस उतनी मिलेगी। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं करते। कल तक कुछ ना कुछ हो जाएगा कुछ। क्या होगा अब्बू, क्या आप मेरे किए गुनाहों की माफी मांगेंगे? तुम्हें किसने बताया ये? मुझे सलमान मामू ने सब बता दिया। बेटा ऐसी बात नहीं है, भाई है मेरा वो। आप उनसे माफी नहीं मांगेंगे, वादा करें। ठीक, तुम ये बताओ कि क्या खाओगे तुम? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। अब्बू मैं भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपकी बेइज्जती नहीं। बेटा मुख्तार मेरा भाई है, तो भाइयों के सामने नदामत या बेइज्जती नहीं होती, नहीं होती। आप कुछ नहीं करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। पहले कभी तुम्हारी बात टाली? डॉक्टर सिद्रा कहाँ है? क्यों, तुम्हें कोई काम है उनसे? मैडम बगैर काम के कोई किसी को पूछता है? काम बताओ। उनसे काम है, उन्हीं को बताऊंगा। क्यों, ऐसा कौन सा सीक्रेट काम है जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर रहे हो? वो आ रही है, उन्हीं को बताऊंगा। जाओ फिर उन्हीं को बताओ, मैं राउंड लगा के आ रही हूँ। डॉक्टर सिद्रा, आपको डॉक्टर फैसल वार्ड में याद कर रहे हैं? ओके, रात में। अब राजू तुमने बेड नंबर 19 का डस्टबिन साफ कर दिया? हाँ कर दी, काश के मैं ना करता। क्यों, अब क्या हुआ? मैंने उसके वालिद से होने वाली बातें सारी सुनी। तो क्या कह रहा है? उम्र में तो छोटा है लेकिन बातों में अपने अब्बू से बड़ा लगा। अल्लाह उसे जिंदगी दे, जवान है बेचारा। आमीन। अरे अब आप डॉक्टर फैसल के पास चले जाएं, वरना वो मेरी खिलाफ लगा देंगे। सो स्वीट। स्वीट मीठा। कोई जवाब दिया उनको?
किसको? वही जो अब हमें अपना रिश्तेदार कहने लगे। उनसे मेरा क्या वास्ता? सुनो, मैंने वो 10 लाख बहुत संभाल के रखे। दफा करो उन पैसों को, मुझे अपना बदला लेना है ताकि मुझे भाई को पता चले कि बेइज्जती क्या होती है। अगर वो लोग माफी मांगने आ गए तो? अरे वो तो आना चाहते हैं, मगर मैं उस मनहूस भाभी की शक्ल देखना पसंद नहीं करूंगा। तो फिर इन पैसों का क्या करोगे? पैसे तो बहुत छुड़ के गए ना, मैंने कब कहा था छोड़ने के लिए? तुम्हें पता है, मैंने सुना है उन्होंने ये पैसे मकान गिरवी रख के दिए थे। ना फरमान औलाद का यही सिला मिलेगा उन्हें। पता नहीं किस सोबत में पढ़ के अपने गुर्दे खराब करके बैठ गए। ओ, तो एहसान की कॉल है। कहाँ है फोन? हेलो बेटा, सब खैरियत तो है? अंकल वो अतिया सीढ़ियों से गिर गई है। क्या? कैसे? कब? हाँ हम आते आते हैं। क्या हुआ बताओ तो? वो अतिया सीढ़ियों से गिर गई है। या अल्लाह खैर, वो तो प्रेग्नेंट है। चलें जल्दी चल के देखते हैं क्या हुआ है उसे। हाँ। आप लोग बैठे जरा, मैं मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयां लेके आया। हाँ बेटा तुम जाओ, अब तुम आराम करो। अब तो आराम ही कर सकते हो और क्या। अतिया बेटा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? एहसान ने कुछ कहा है क्या? कहीं ये सब एहसान की गलती तो नहीं है? ये एहसान की गलती नहीं है अबू, ये सब आप लोगों के कारनामों का फल है। ये तुम अपने बाप से किस अंदाज में बात कर रही हो? सच यही है अम्मी, आप लोगों की आंखें फेरने से सच छुप नहीं जाएगा। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात बेटा। अबू जी आपने किसी की जान लेनी चाहिए और खुदा ने ये बच्चा देने से पहले मुझसे छीन लिया। अतिया पे कंट्रोल रखें। उन्होंने जो हमारे साथ किया तो वो हमारी नजरों में बुरे बन गए, तो हम कौन सा अच्छा काम कर किसी की जान ना बचा कर। इसकी बातों का बुरा ना माने, ये तो पता नहीं बीमारी में क्या अनाप शनाप बकती रहती है। इसकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी, ना हम अनीस की जान लेने के बारे में सोचते और ना ही हमारी बेटी की यह हालत होती। अब कहां चले? कहीं ना कहीं तो जाऊंगा। डॉक्टर साहब हमें कोई और रास्ता बताएं प्लीज, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देखिए मुजीब साहब, अगर कोई और रास्ता होता तो हम आपको पहले ही बता देते। मुजीब साहब अनीस की कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है, इनफैक्ट उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि उसे ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड भेजा जा सके। डॉक्टर साहब किसी और हॉस्पिटल से गुर्दे का इंतजाम हो जाए अगर? शायद ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं होता। किडनी उसी की लगती है जिसका ब्लड ग्रुप मैच करे, फिर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टेस्टिंग और क्रॉस मैच टेस्टिंग में नेगेटिव होना लाजमी है। हम इसीलिए ही खुश थे कि आपकी फैमिली से ही मैचिंग होगी, लेकिन यहाँ तो खून ही सफेद हो चुका है। जी वो मुजीब साहब ने बताया था हमें। आप ऐसा करें कि अपने फैमिली मेंबर में से किसी पर्सन को देखें और मदद के तहत उसे कुछ पैसों की ऑफर करें। लेकिन मुजीब भाई ने आपको ये नहीं बताया कि हम उस सफेद खून वाले भाई को 10 लाख रुपए दे चुके हैं। Oh my God. शकील भाई ये वक्त उन बातों को दोहराने का नहीं है। ये वक्त दोहराने का नहीं है,
अपना खून सफेद होते हुए देख नहीं सकते। अगर वो सफेद खून गर्मा कर फिर से आपके रगों में दौड़ने लगे तो आप दौड़ने देंगे? खुदा के लिए मुख्तार, माफी का तलबगार तो मैं हूं, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। देखिए ये वक्त माफी तलाफी का नहीं है, डॉक्टर साहब प्लीज इन्हें ले जाए। अच्छा तो ये जी डॉक्टर, मैं ही वो बदबख्त हूं जिसका खून सफेद हो चुका।